हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 100 करोड़ के वसूली के कारण महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। परमवीर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके कारण अनिल देशमुख पर प्रेशर बढ़ गया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। हाईकोर्ट के अनुसार उन पर लगे सभी आरोप बहुत गंभीर हैं और 15 दिन के अंदर ही उसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। ऐसे में सबसे पहले एक ही सवाल सामने आता है कि क्या अनिल देशमुख अब जेल जाएंगे, उन्हें सजा होगी? अगर उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। ज्योतिष के द्वारा हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि क्या उनकी कुंडली इस तरह के प्रॉमिस कर रही है। मेष लग्न में ही एग्जॉल्टेड सन है इनका, भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में, और ये लग्न की डिग्री के बहुत करीब होने के कारण लग्न भी भरणी नक्षत्र में है तीसरे चरण में, जो इन्हें हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी बना रहा है। लग्नेश मंगल फिफ्थ हाउस में है दशमेश शनि के साथ, वो भी एक बड़ा राजयोग अनिल देशमुख को दे रहा है। लेकिन ये शनि वक्री है और लग्न की डिग्री से बस एक डिग्री डिफरेंस में है। वक्री होने के कारण शनि लग्नेश मंगल को सपोर्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है। शनि हम जानते हैं कर्म का कारक होता है, न्याय का कारक होता है। जहाँ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो शनि अपनी नज़र रखकर अपना न्याय करने की कोशिश जरूर करता है। वैसे भी शनि मंगल की ये युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरी बात, पंचम भाव धन भाव भी होता है, जहाँ शनि और मंगल रॉयल स्टेटस वाली साइन लियो में हैं, तो सरकारी पद पर रहते हुए धन से संबंधित गलत कार्यों के लिए जाने जाएंगे। एक और चीज़ अगर हम देखें तो शनि अपनी दशम दृष्टि से सेकंड भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ नैसर्गिक काल पुरुष की सेकंड भाव में वृषभ राशि है, जो धन को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पर वक्री बुध हैं, जिस पर शनि का एस्पेक्ट है, और ये बुध शनि से भी सेकंड लॉर्ड है, यानी कि सिक्स लॉर्ड होकर, जो धन से जुड़ी परेशानी को भी शो कर रहा है। अभी बुध की ही दशा भी इनकी चल रही है। अगर हम नाड़ी ज्योतिष से भी देखें तो इस बुध से ट्राइन में चंद्रमा है दशम भाव में, जो सरकारी पद पर रहते हुए धन से संबंधित एलिगेशन को भी शो करता है। राहु का अंतर है और मंगल का प्रत्यंतर है 26 अप्रैल 2021 तक, और अभी इसी बुध पर, इसी वृषभ राशि पर मंगल और राहु का अंगारक योग भी ट्रांसिट में बना हुआ है, तो इन पर बहुत से इस तरह के आरोप सामने आए हैं। बुध वक्री है, केवल आरोप लगे हैं अभी तक, लेकिन साबित नहीं हुए हैं। वहीं नवांश की अगर बात करें तो नवांश में भी शनि 12th भाव में बुध की ही कन्या राशि में है, और बुध नीच के गुरु के साथ 4th हाउस में है, जो केतु पर अपना 5th एस्पेक्ट भी दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस दशा में कुछ मेजर इवेंट को शो करता है। और दशमांश की अगर बात करें तो उसमें भी यही गुरु 8th हाउस में चला गया मंगल और चंद्रमा के साथ, और बुध को देख रहा है। 20 दिन के बाद, यानी कि जब देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, तो नेटल गुरु पर होंगे ट्रांसिट में भी, यानी कि कुंभ राशि में, और 26 अप्रैल 2021 के बाद बुध में गुरु का अंतर इनका शुरू हो जाएगा, तो उस समय गुरु भी पूरी तरह से एक्टिव होगा। वैसे भी ये गुरु शतभिषा नक्षत्र में है नेटल चार्ट में। जब तक गोचर का गुरु धनिष्ठा में होगा मंगल के नक्षत्र में, तब तक इन पर जांच की कार्यवाही तेज होगी, लेकिन जैसे ही गुरु शतभिषा नक्षत्र में आएगा राहु के नक्षत्र में, तो वो समय होगा 23 मई 2021 से लेकर 19 जुलाई 2021 तक। उस समय इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कार्यवाही होंगी, इनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ठीक उसी समय ये गुरु वक्री भी होंगे और शनि भी उस समय वक्री होंगे, यानी 19 जून 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक। ये समय इनके लिए बहुत ही क्रूशियल समय होगा। दोनों ग्रह गुरु और शनि वक्री होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है इन पर लगे आरोप
बेबुनियाद साबित हों या कुछ समय जांच के बाद इन मानसिक दबाव के कारण 100 करोड़ के इस वसूली के इस एपिसोड से ये बचकर निकल जाएं, या कोई ना कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे इनके ऊपर लगे हुए जो भी एलिगेशन है कोई प्रूफ सामने ना आए। उस समय दशा में बुध में गुरु का अंतर होगा और शनि का प्रत्यंतर होगा। यदि हम अष्टक वर्गा की बात करें तो शनि ने अपने भिन्नाष्टक में मकर राशि में 7 अंक दिए हैं, वहीं गुरु ने मकर राशि में 5 अंक दिए हैं और चंद्रमा ने भी 7 अंक दिए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मंगल राहु की ये दशा पीरियड और अंगारक योग इनके लिए शुभ नहीं है। 13 अप्रैल तक ये योग रहने वाला है जो इनको मानसिक परेशानियां देने वाला है। अगर हम जैमिनी चर दशा की बात करें तो इस समय उनकी एरीज की दशा चल रही है और एरीज का ही अंतर चल रहा है मई 2021 तक। उसके बाद इनका तौरत का पीरियड आ जाएगा, उस समय इनको यानी कि मई 2021 के बाद बहुत स्ट्रगल अभी करना पड़ेगा, इनकी बहुत सी परेशानियां अभी बढ़ने वाली है। अब सवाल सामने ये आता है कि क्या इनको जेल होगी या होगी तो कब होगी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इनकी कुंडली में बंधन योग है, जिसे जेल यात्रा का योग भी कहा जाता है। बंधन योग भी कई तरह के होते हैं ज्योतिष में। यदि लग्नेश और 6 लॉर्ड आपस में केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और इसमें शनि और राहु शामिल हो तो ये बंधन योग बनता है। इनके चार्ट में भी अगर हम देखें तो नागा बंधन योग बना हुआ है जो राहु के कारण होता है, जिसमें बेहिसाब नकदी रखना भी प्रमुख होता है। इस योग में व्यक्ति या तो जेल में रहता है या फिर अंडरग्राउंड रहकर अपने काम करता है। 12th हाउस में राहु है, 6th हाउस में केतु है जो पंचम भाव के प्रभाव लेकर आया है, 5th हाउस में शनि का होना 8 लॉर्ड मंगल के साथ और उसके अगले भाव में यानी कि कन्या राशि में केतु का होना पास्ट लाइफ के कुछ फाइनेंस से जुड़े कार्य को सिद्ध करता है। वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक इनकी परेशानियां बनी ही रहेंगी। बहुत सोच समझकर इन्होंने इस्तीफा दिया है जो इनके लिए बेहतर भी है। 2022 का जब समय आएगा इनके लिए वो भी बहुत अच्छा समय नहीं होगा, जो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा और इसी समय इन पर कुछ और एलिगेशन लगाए जाएंगे जिनके चलते इनको सजा भी हो सकती है, इनको जेल भी हो सकती है। उस समय गुरु मीन राशि में होगा और शनि मकर और कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा होगा। मकर राशि का अंतिम चरण होगा और कुंभ राशि की तरफ वो बढ़ रहा होगा। उस समय 7:30 का समय भी होगा, जो अभी भी 7:30 के समय से ये गुजर रहे हैं। इनका आगे आने वाला समय राजनीतिक दृष्टि से बहुत सफल नहीं रहेगा। बुध की दशा के बाद इसी केतु का अंतर 2026 से 2033 तक रहने वाला है, जो इनके 6th हाउस में बैठकर इनको अपने कर्मों के हिसाब से पनिश करने वाला है शनि के साथ मिलकर। दोस्तों, ज्योतिष विश्लेषण के लिए देश काल परिस्थिति को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये तो राजनीति है, जहां अंडरग्राउंड बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ सामने आने वाला है अनिल देशमुख के लिए और परिस्थितियां बहुत ही विकट होने वाली हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कोशिश करूँगी एक और वीडियो देने की इसी करंट एपिसोड पर। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।